साथियों यहाँ देखो वो बच्चे बहुत अच्छे और बहादुर हैं। उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने जो किया वो माय लॉर्ड के कहने पे किया। उनको शांति से घर लौट जाने दो। लेकिन आप ही तो उन्हें धोखे से लाए थे। धोखे से नहीं लाया था, मैं तो उन्हें चीफ गेस्ट बना के लाया था। मुझे क्या पता था कि किंग उनकी पावर्स अपने अंदर खींच लेंगे। तुम लोग आगे ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। मंत्री जी, आप तो किंग के सलाहकार हैं, खास हैं। आप उन्हें क्यों नहीं समझा दें कि उन्होंने जो किया वो गलत है। ओ रुद्रा, शुक्र है कि आप ठीक हैं। रुद्रा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हरकत करेंगे। हम सब जानते हैं कि उनमें ये पावर्स है कि वो किसी के सिर पे भी हाथ रख के उसकी सारी कला अपने अंदर खींच सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी इस पावर का इस्तेमाल आज तक नहीं किया। पर कोई तो रास्ता होगा उनको समझाने का। किंग को अगर कोई समझा सकता है तो वो है क्वीन। क्वीन की कोई बात किंग ने आज तक नहीं टाली है, पर क्वीन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो बहुत सख्त पहरे में रहती हैं। कितना भी बड़ा खतरा हो हम जाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है? मंत्री अपिंजो क्या गेम खेल रहा है समझ नहीं आ रहा। क्वीन को बताना होगा। एक सिर का शेर ही कितना डराता है, इसके तो तीन सिर हैं। अगर ये तीनों अटैक करेंगे तो हमारा क्या होगा? मेंटीकोर, हमें क्वीन से मिलना है। ये तो शेर के रूप में बिल्ली निकला। मुझ पर हंसते हो? आज तक कोई भी बिन बुलाए लोग मुझसे बचकर क्वीन तक नहीं पहुंच सके हैं। तो तुम बच्चे क्या चीज हो? बाइस का सिबाइस का सकून पश्तू। मेंटीकोर, मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ क्वीन से मिलना चाहता हूँ। वेलकम रुद्रा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हेलो क्वीन। अपी तो ने मुझे सब बता दिया है। मंत्री ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा कि मेंटीकोर तुम्हें खत्म कर दे। आप क्या कह रहे हैं? हाँ रुद्रा, मंत्री अपिंजो ने तो किंग को मेरे खिलाफ भी भड़का के उनको मुझसे अलग कर दिया है। अपिंजो किंग के जरिए खुद ए प्लान पर राज कर रहा है। क्वीन, मुझे नहीं पता था कि मंत्री ऐसे है। आप ही बताइए, मैं किंग से अपनी पावर्स वापस कैसे लूँ? आज फुल मून की नाइट है। आज की रात किंग को कोई भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है और किंग उससे अकेले ही फाइट करेंगे। कोई बीच में नहीं आ सकता। अगर ऐसी बात है तो आज रात मैं किंग को चैलेंज करूँगा। Thank you.
एज पर ट्रेडिशन आज की रात हम में से कोई भी किंग को थ्रोन के लिए चैलेंज कर सकता है, है कोई? नहीं, कोई नहीं। मैं किंग को चैलेंज करता हूँ, लेकिन थ्रोन के लिए नहीं। मैं जीता तो मेरी सारी पावर्स मेरी, आप जीते तो वो हमेशा के लिए आपकी। एपिंजो, ये क्या कर रहा है यहाँ? ये बच कैसे गया? अच्छा तरीका आजमाया है बच्चे। किसने बताया तुम्हें हमारे इस ट्रेडिशन के बारे में? मैंने बताया। और मैंने वही किया जो सही था। रुद्रा को पूरा हक है इस चैलेंज में हिस्सा लेने का। ठीक है, हम रुद्रा का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। रुद्रा, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। अपनी पावर्स वापस लिए बिना नहीं जाऊंगा, जो आपने धोखे से ली है। सिबाइस का शील्ड क्रिएटो। इबाइस का शॉक क्रिएटो। रुद्रा, तुमने चैलेंज तो मुझे किया है, पर भूल गए, तुम्हारी लड़ाई खुद तुमसे ही होने वाली है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। एप किंग, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक मत करना। इबाइस का बूम चिक चिक बूम। नहीं, मेरी पावर्स तुमने छीन ली। आपकी पावर्स आपके ही पास है, मैंने तो सिर्फ अपनी पावर्स ली है। और जाते जाते एक बात और बता दूं, ये मंत्री अपिंजो की ही चाल है। ये बच्चा तो फंसाएगा। उसने आपको क्वीन से अलग किया, उसी ने ये मैजिकल पावर्स आपके जरिए खुद ले ली। वो आपके जरिए यहाँ खुद रूल कर रहा है। क्या? अपिंजो! थैंक यू रुद्रा, मुझे इस बात को बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। शायद पता था, पर मैं यकीन नहीं करना चाहता था। अपिंजो को पकड़ के जेल में डाल दो। क्वीन, सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। कोई बात नहीं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। रुद्रा,
बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सेलिब्रेट, हमारे चीफ गेस्ट को ठीक से वेलकम किया जाए। ऑल्स भला दैट एंड्स भला।